हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज राहुल कामले। थोड़ा बात करना चाहता हूँ मरीन पोल्यूशंस के बारे में, इन द सेंस मारपोल के बारे में। बहुत सारे मरीन इंडस्ट्रीज में कन्वेंशंस है, रूल्स है, उसी में से एक आता है मारपोल कन्वेंशन। जब टाइटैनिक डूबी तब सोलास का कन्वेंशन हुआ, द सेंस आईएमओ ने सोलास का कन्वेंशन निकाला। वैसे ही कोई भी सीवेज हो गया, मरीन पोल्यूशन हो गया, एनी गार्बेज या फिर कौन सा भी ऑयल पोल्यूशन हो गया, सीवेज पोल्यूशन हो गया, उस पोल्यूशन के ऊपर क्या काम करना है, कौन से रूल्स है, कौन से रेगुलेशंस है, वो सब मारपोल में आते हैं। मारपोल का मीनिंग होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द प्रिवेंटिंग ऑफ पोल्यूशन, मारपोल। मारपोल में बेसिकली 6 एनेक्सेस आते हैं। एनेक्सेस इन द सेंस हर एक टाइप ऑफ शिप्स के, हर एक पोल्यूशन के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसमें से एनेक्स 1 आता है रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल, मतलब ऑयल पोल्यूशन से जितने भी होने वाले हार्मफुल या फिर हार्म्स है या फिर उसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए। ऑयल जो होता है, ऑयली मिक्सचर हमें वाटर में जब डिस्चार्ज करना चाहिए वो कब, कहाँ, कैसे डिस्चार्ज करना चाहिए, कितने क्वांटिटी में डिस्चार्ज करना चाहिए, वो सब ऑयल पोल्यूशन के ऊपर आता है। और वो मारपोल का एनेक्स 1 फोर्स में इंटर तब हुआ, उसकी डेट है 2 अक्टूबर 1983। वैसे ही दूसरा एनेक्स है जिसे हम बोलते हैं नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस। जो भी शिप नॉक्सियस लिक्विड सबसे लिक्विड कैरी करती है या फिर एनी लिक्विड सब्सटेंसेस कैरी करती है, उसमें से होने वाले लिक्विड सब्सटेंसेस से जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसके ऊपर भी एनेक्स है, उसे एनेक्स 2 बोला जाता है। और वो फोर्स में तब आया 2 अक्टूबर 1983 में। वैसे ही एनेक्स 3 है जो कि प्रिवेंशन पोल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरीड बाय सी इन पैकेज फॉर्म। पैकेज फॉर्म में जो भी हम कार्गो कैरी करते हैं, ए टू बी हम ट्रांसफर करते हैं, उनमें से होने वाले पोल्यूशंस के बारे में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे जैसे हम मतलब रेगुलेशंस बना रहे हैं, आईएमओ ने मारपोल के तौर पे बनाए हैं, वो सब एनेक्स 3 में आता है। वैसे एनेक्स 4 में आता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय सीवेज फ्रॉम शिप। शिप का जो भी सीवेज है, एनी सीवेज जो कि हमें सी में डिस्चार्ज करना है, वो कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पे करना है, कितने क्वांटिटीज में करना है, वो सब कुछ एनेक्स 4 में आएगा। एनेक्स 5 में आता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय गार्बेज फ्रॉम द शिप। शिप का जो भी गार्बेज है, एनी मटेरियल विच वॉज हमें बाहर सीवेज में, सॉरी बाहर हमें डिस्चार्ज करना है, वो सब एनेक्स 5 में आता है जो कि गार्बेज फॉर्म में रहता है। लास्ट है एनेक्स 6। एनेक्स 6 है एयर पोल्यूशन के ऊपर, और ये एक्ट में तब आया 19th of May 2005 में एक्ट में आया। एंड ये इसका डिफाइन करना चाहूँ तो उसका होता है प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम शिप। शिप से होने वाले जितने भी एयर पोल्यूशन है उसके ऊपर एनेक्स 6 काम करता है। ये थे सभी मारपोल्स, जो भी एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3, एनेक्स 4, एनेक्स 5 एंड एनेक्स 6 जो कि मारपोल के अंडर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, जो कि मारपोल हर एक शिप में आईएमओ के थ्रू मारपोल बनाया गया है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी शिप्स पे लागू होते हैं। अलग अलग टाइप के वैरायटीज के शिप्स होते हैं, बट अलग अलग टाइप्स के शिप्स पे अलग अलग एनेक्सेस लागू होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद।